हेलो बच्चों, आज का सब्जेक्ट मैथ के फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक हमारा पूर्णांक है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, आज प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करें। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए देखेंगे बच्चों, क्या है इसमें हल करना है हमको। -30/10, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या एक पार्ट ए था, -30/10। हम देखते हैं कि जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम पूर्ण संख्या के रूप में भाग देते हैं। पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ है बच्चों कि 10 को हमें 30 से सिंपल अर्थात साधारण तौर पे हमें भाग देना है। कितना प्राप्त होगा? 10 × 30, ठीक है। अब हमको उत्तर में 3 प्राप्त हुआ है। उत्तर में कितना प्राप्त हुआ है? उत्तर में हमको 3 प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं, जो उत्तर में प्राप्त होगा उसके पहले ऋण चिन्ह लगा देंगे, ऋण चिन्ह लगा देंगे, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब फिर से एक बार बच्चों ध्यान देते हैं कि यदि हम ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक का अर्थ हुआ -30, ये माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पे समझा जा सकता है कि यह चिन्ह धनात्मक है। 10 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, 10 संख्या है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा, तो इसका अर्थ हुआ यह धनात्मक संख्या है, और यहाँ पे 30 के पहले चिन्ह लगा हुआ है, ऋण चिन्ह लगा है, दिख रहा है बच्चों, ये ऋण चिन्ह। ये जब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को भाग करेंगे तब हमें भागफल में ऋणात्मक का ही अर्थात माइनस का ही उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट देखेंगे, 50/-5। तो देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे लिखा है 50, कितना है 50/-5। तो हमें साधारण तौर से जिस प्रकार से पूर्णांकों को भाग दिया जाता है उसी प्रकार से भाग करना है, 5 को 50 से, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा? उत्तर में 10 प्राप्त हो जाएगा, उत्तर में हमें 10 प्राप्त होगा। 50 धन संख्या है, धनात्मक है, और 5 ऋणात्मक है, ठीक। तो जब दो विपरीत एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह है तब उत्तर हमारा ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, अर्थात माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे और -10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सी पार्ट देखेंगे, -36/-9, ठीक है। तो साधारण तौर से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, साधारण तौर पे भाग करेंगे 9/36, तो हो जाएगा 9 × 36, उत्तर हमारा आया 4। अब ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे आप देखते हैं कि 4 जो प्राप्त हुआ है वह किस चिन्ह को दर्शा रहा है, माइनस का यानी ऋणात्मक का या धनात्मक। तो देखेंगे संख्या 36 ऋणात्मक है और संख्या 9 भी ऋणात्मक है, अर्थात जब दो ऋणात्मक संख्याओं को भाग देंगे तब हमें धनात्मक उत्तर प्राप्त होगा, अर्थात प्लस साइन प्लस चिन्ह, हमें उत्तर प्लस चिन्ह वाला ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग धनात्मक होता है, ठीक, समझ गए, ठीक है। पार्ट हमारा क्या है, 13/-2+1
पढ़ा, ब्रैकेट बंद। ध्यान देंगे बच्चों, जो संक्रियाएं होंगी वो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर ही हम करेंगे, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट जितने भी अंक उसके अंदर रहेंगे उनको सबसे पहले हमें हल करना पड़ता है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस टू और प्लस एक है, विपरीत चिन्ह है। हमको जो संक्रिया करनी है वो घटाने की करनी है, घटा देंगे तो प्राप्त होगा हमको दो, और एक से जब घटाया जाएगा तो हमें एक प्राप्त होगा, और चिन्ह लगा देंगे हम माइनस का। क्यों माइनस का ही क्यों? क्योंकि जो जो अंक है वह माइनस का है, और जिसका अंक बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यह हमारा भाग में परिवर्तित हो गया है। 13 को एक से भाग करना है, साधारणतः हम भाग करेंगे तो उत्तर हमको 13 प्राप्त होगा। जो साइन यहाँ पे होगा था चिन्ह जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा माइनस का, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक है, 13 धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, समझ गए।